दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए दो एलईडी पार लाइट्स लेके आया हूँ जो कि हमें SBL ब्रांड की तरफ से मिलने वाली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है 12 एलईडी वाली, ये आप शायद पहली बार देखोगे, और ये हमारी है 36 एलईडी वाली, ये बहुत पॉपुलर है। दोनों में एक सिमिलरिटी होने वाली है, दोनों की जो स्पेसिफिकेशन एकदम सेम है, 3 वॉट के अंदर है, 3-in-1 एलईडी है। बस इसके अंदर आपको 12 एलईडी मिल जाती है, इसके अंदर आपको 36 एलईडी मिल जाती है। सो आज की वीडियो में इनको प्रॉपरली हम देखने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करके इनकी टेस्टिंग करके देखेंगे, रिमोट से कैसे ऑपरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा आपको इनका प्राइस है वो कैसे पता करना है, या ऑर्डर करना चाहते हो आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों बॉक्सेस आ चुके हैं, फटाफट से बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, देन दोनों को एक साथ अनबॉक्स करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 12 एलईडी वाला हमारा पावर लाइट है उसका बॉक्स कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे आपका मिल जाता है 3-in-1 RGB एलईडी विद ब्राइटर कलर्स, क्वालिटी लेंस लगे हुए जो हमारे लेंस यूज़ करे गए पावर लाइट के अंदर, ताइवान की एलईडी है जो कि नॉर्मल जो जेनरिक चाइनीज़ एलईडी होती है उनसे बेटर होती है। लाइफ आप देख सकते हो 50,000 आवर्स तक की है, और कंट्रोल ईजी है क्योंकि यहाँ पे साथ में आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है। सेम आपको ये वाला बॉक्स भी ऐसे मिलता है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चराइजेशन भी बनी हुई है, रिमोट भी मिल जाता है, और यहाँ पे सेम आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। दोनों में खाली फ़र्क इतना है कि ये आपकी 12 एलईडी वाली है और ये आपकी 36 एलईडी वाली है। तो फटाफट से इनको अनबॉक्स करके मैं बाहर रख लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारी जो है पावर लाइट्स मैंने निकाल कर रख ली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस हिसाब से हमें मिलती हैं। ओवरव्यू इनका दिखाता हूँ, देन इनको पावर से कनेक्ट करके दोनों को टेस्टिंग करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर हमें पावर लाइट्स मिली है, साथ में दोनों के एक एक रिमोट कंट्रोल मिला है जिसके ऊपर काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है। आपको अगर अलग अलग कलर में इनको ऑपरेट करना हो तो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑन ऑफ का देख सकते हो, ब्राइटनेस अप डाउन का हो गया, ये RGBW हो गया, और ये कुछ यहाँ पे फंक्शंस है, कुछ मोड्स हैं, फ्लैश का हो गया, स्टॉप का हो गया, फेड का हो गया, और यहाँ पे स्मूथ हो गया, और ये कुछ मल्टी कलर्स हैं। सो कुछ इस टाइप से आपको रिमोट मिलता है। ऑपरेट करने के लिए हमें जो यहाँ पे एक फिल्म लगी हुई है इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, अभी एक्टिवेट हो चुका है। सो इसको साइड में रखते हैं, सेम रिमोट इसके साथ भी मिलता है। अब इनको ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 12 एलईडी वाली है वो कुछ ऐसी मिलने वाली है, आपको यहाँ पे 12 एलईडी मिल जाती हैं। ये इनका रिसीवर है रिमोट का, एंटीना जो होता है, ठीक है ना, और ये हमें वायर मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप से हमें मिलती है, प्लास्टिक बॉडी के अंदर है, 3-in-1 है, RGB कलर के है। सेम हमें ये 36 एलईडी वाली भी मिल जाती है ऐसी। सो इधर आप देख सकते हो 36 एलईडी हो गई, सेम यहाँ पे इसका रिसीवर हो गया, ये स्टैंड इसके अलग अलग मिले थे, मैंने इनको स्क्रू से कस दिया यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से स्क्रू इसमें लगे हुए मिले थे, हैंडल हमें कसना पड़ता है, इसमें भी हमने सेम ऐसे किया था। सो बैक साइड से यहाँ पे आप देखो कुछ आपको इस तरह से प्लास्टिक बॉडी में ही ये मिलती है, क्योंकि आप इसको नॉर्मली जनरल अपने घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, छोटे मोटे फंक्शंस में यूज़ हो सकते हो, उसके हिसाब से ही ये बनाए जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने दोनों जो लाइट्स को पावर से कनेक्ट कर दिया, अब मैं आपको इनकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको रिमोट दिखाया था, इससे दोनों ऑन ऑफ हो जाएंगी, तो पहले हम टेस्टिंग देखते हैं 36 एलईडी वाले की, देन 12 की देखेंगे। सो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली रिमोट से ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया, अभी ये वाली ऑफ है और ये वाली ऑन है, मैं लाइट्स को भी ऑफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया इसमें काफ़ी सारे फंक्शन कीज़ हैं, ऑन ऑफ करके दिखा दिया, जो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल हो जाएगी अगर ये किसी ऑटो मोड पे है। अगर हम इसको स्टेबल कर देंगे तो यहाँ से हम इनकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो RGB मोड हो गए, ये मल्टी कलर्स हो गए, आपको किसी भी कलर के ऊपर सेट करनी हो तो वो यहाँ से हो जाएगी। ये हमारा हो गया स्मूथ वाला मोड, ये हो गया फेड वाला, ये हो गया स्टॉप वाला, और ये हमारा हो गया फ्लैश वाला। इससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे जो अप डाउन वाला बटन है कि कितनी स्पीड में चलनी है। सो यहाँ पे तो 36 एलईडी वाली हो गई, अब हम इसको 12 एलईडी वाली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये 12 एलईडी वाली की आप लाइट देख सकते हो। सो सेम ये भी इसी तरह ऑपरेट होगा जो हमारे मोड दे रखे हैं। सो अगर आपको एक छोटी सी जगह में इसको सेट करना है अपने रूम वूम के अंदर, तो आप ये 12 एलईडी वाली ले सकते हो। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो किस हिसाब से, अगर हमने इसको एक मोड पे सेट किया है कलर के ऊपर, तो यहाँ पे ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप सभी को ये दोनों हमारी जो पावर लाइट्स हैं, 12 एलईडी वाली और 36 एलईडी वाली, इनकी अनबॉक्सिंग दिखा दी, इनको चला के दिखा दिया कैसे ऑपरेट होती है वो सारी चीज़ें, रिमोट कंट्रोल भी दिखा दिए रिमोट से कैसे ऑपरेट होंगी। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इनका प्राइस जानना है या फिर आपको ये परचेस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेटेड जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी मिल जाएंगी। और क्योंकि इनका प्राइस चेंज होता रहता है 2-3 महीने में, तो इसीलिए मैंने वीडियो में प्राइस ना बता के डिस्क्रिप्शन में प्राइस दे दिया है, जब भी इनका प्राइस चेंज होगा मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। सो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।